एपिसोड 16 यश की जिंदगी की पिक्चर। यश बड़ा ही बेरहम और पत्थर दिल था, लेकिन आज अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उसके दिल के किसी हिस्से में कुछ दर्द सा महसूस हुआ था। अचानक से ही उसे अपनी जिंदगी एकदम गुमनाम अंधेरे में डूबी हुई से महसूस होने लगी थी। बेमतलब गाड़ी चलाने के बाद अचानक से एक जगह जाकर यश ने गाड़ी रोक दी थी। उसने देखा कि आज ऑफिस से लौटते वक्त जो गरीब माँ उसके दो बच्चे उसे दिखाई दिए थे, वो सड़क पर कोने में बैठे हुए सोए हुए थे। जैसे ही यश ने ये देखा, अचानक से वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा था और उनके पास जाकर उसने अपना महंगा कोट उनको उड़ा दिया था। जैसे ही उस गरीब औरत ने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने यश को अच्छी तरह से पहचान लिया था और वो कहने लगी थी, तुम्हारे दिल में आज रहम जागा है। मुझे पूरी उम्मीद है अब तुम्हारी जिंदगी अब बहुत ही हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। यश को उस औरत की बातों का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर यश ने कितने ही सारे पैसे उस औरत को थमा कर अपना कोट पहना कर जल्दी ही वो गाड़ी में बैठ चुका था और उसे आज अलग ही तरह का सुकून का एहसास हो रहा था। यश सोचने लगा था कि जिस सुकून की तलाश वो पैसों में महंगी गाड़ियों लग्जरीज बिजनेस वगैरह में ढूंढ रहा था, आज एक औरत की छोटी सी मदद करने पर उसे वो सुकून का एहसास हुआ था। और जैसे ही उस औरत की छोटी सी मदद करने के बाद यश अपने दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचाने के बाद जल्दी ही ओबरॉय मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। अवनी और उसकी माँ और भाई साथ साथ एक मूवी की तरह यश की जिंदगी को देख रहे थे। अवनी के मन में पहले तो उस मूवी को देखते हुए झिझक सी महसूस हो रही थी, अब तो उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो अपनी जिंदगी का कोई हसीन नजारा देख रही हो, क्योंकि यश ओबरॉय को देखना किसी हसीन नजारे से कम नहीं था। यश ओबरॉय बहुत ही ज्यादा डैशिंग और चार्मिंग था। वेल अवनी काफी आराम से बैठकर अब ये देखने लगी थी कि आगे यश की जिंदगी में क्या होने वाला था, और यश तो इतना ज्यादा खतरनाक था तो फिर वो किस तरह से अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करेगा? क्या उसे उसके माँ बाप के बारे में कभी पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अवनी अब आगे देखने के लिए इच्छुक होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर यश का यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यश रात के करीब 1 बजे अपने मेंशन में पहुंच चुका था। वहां पर आज अजीब खामोशी और शांति सी थी, जहां पर हर चीज जो कि यश को हमेशा से ही अपनी लगा करती थी, आज उसे काफी ज्यादा परायापन सा महसूस हो रहा था। हालांकि वो अपने दादा का पोता था, लेकिन वो रितेश ओबरॉय का बेटा नहीं था, तो ये बात यश के लिए काफी ज्यादा बड़ी थी और इस बात को डाइजेस्ट कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वेल यश जल्दी ही अपने कमरे में जाने लगा था, लेकिन वो बीच में रुककर सबसे पहले अपने दादाजी को देखने के लिए उनके कमरे की ओर चला गया था। यश ने देखा किसके दादा का कमरा खुला हुआ था। बेसिकली जब भी उसके दादाजी सोए हुए थे तो उनका कमरा बंद ही रहा करता था, तो आज अचानक से उनका कमरा खुला होने के कारण यश काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर उसने जल्दी से अंदर जाकर देखना शुरू कर दिया था। उसके दादाजी अभी तक नहीं सोए हुए थे, बल्कि एक फोटो को पकड़े हुए बैठकर वो रो रहे थे। जैसे ही उसने देखा वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो जल्दी से अपने दादा के पास जाकर बैठ गया था। उसके दादा ने एक नजर उसको देखा था और फिर उस फोटो को यश को दिखाते हुए कहने लगा था, ये देख तेरी माँ। जैसे ही यश ने अपने दादा की बात सुनी, उसने फोटो पर नजर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यश और उसकी माँ का चेहरा काफी ज्यादा मिलता जुलता सा था। इतना ही नहीं, यश की आंखें बिल्कुल उसकी माँ के आंखों से मिलती थी। उसकी माँ कमाल की खूबसूरत औरत रही होगी। यश कुछ पल अपनी माँ की फोटो को निहारता रहा था और अपनी उंगलियों से उस फोटो को उस तरह से छू रहा था मानो कि अपने माँ का चेहरा वो छू रहा हो, लेकिन क्योंकि यश काफी ज्यादा इमोशनल लेस था, उसके अंदर इतनी खास कोई इमोशंस नहीं थे, तो कुछ ही पल उस फोटोज को अच्छी तरह से देखने के बाद उसने एक बार फिर उस फोटो को वापस रख दिया था और अपने दादा की ओर देखकर कहने लगा था, आप अभी तक सोए नहीं है, आप जानते भी है क्या टाइम हो रहा है? अगर आप इस तरह से टाइम से नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपकी तबीयत को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो आप फटाफट ये फोटोज वगैरह रखिए और जाकर आराम कीजिए। तभी उसके दादा हैरानी से यश की ओर देखते हुए कहने लगे थे, क्या तुम एक बार भी यह नहीं पूछोगे तुम्हारी माँ कौन थी, कैसी दिखती थी, क्या करती थी और क्या नाम था उसका? तुमने तो आसानी से इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था तुम इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इतने दिनों से यह भार अपने सीने पर ना लादे घूमता, मैं तुम्हें बहुत पहले ही इस बात के बारे में बता देता। तभी यश ने अपने दादा की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा था, मुझे किसी के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात मेरी माँ की, अगर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो भले मैं उनके बारे में जानकारी क्या करूंगा,
और अब अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप है और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा अचानक से उसके दादा की आंखें भर आई थी और वो कहने लगे थे, तू जानता है बेटा, इस बात का गम है कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज तक मैं अपनी पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी इस बात के बारे में नहीं पता लगा पाया हूँ कि तेरा बाप कौन था। और नहीं मैं ये पता लगा पाया हूँ कि आखिरकार तेरी माँ की मौत क्यों हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में केवल कुछ ही पलों के लिए मैं उससे मिला था और उस पल में उसने तेरा हाथ मेरे हाथों में थमा दिया था। यश बड़े ही ध्यान से अपने दादाजी की बात सुन रहा था और कहने लगा था, दादाजी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अब इस बात के बारे में पता लगाया हूँ कि मेरी माँ कौन थी और मेरा बाप कौन था और मेरी माँ की मौत क्यों हुई है? तभी यश के दादा की आंखों में चमक आ गई थी और वो कहने लगे थे, बेटा तूने तो मेरे मन की बात छीन ली है। तू जानता है मैं तुझे जब भी देखा करता था मेरे मन में यही सवाल आया करता था कि जब तू बड़ा होगा तो मैं तुझे तेरी माँ के बारे में क्या सवाल क्या जवाब दूंगा, लेकिन तूने कभी भी अपनी माँ के बारे में किसी और के बारे में कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की और फिर वक्त ने मुझे भी स्वार्थी बना दिया, तो इसीलिए मैंने भी तुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं रातों को मुझे तेरी माँ की आखिरी बार कही हुई शब्द याद आते हैं, पिताजी आप मेरे बेटे को ले जाइए वरना वो लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। बेटा तू उस वक्त 5 या 6 साल का था और मुझे पूरी उम्मीद है तूने कुछ ऐसा देखा था तो तुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन इस विदेश में आने के बाद तू पूरी तरह से यहाँ के रंग में ढलने लगा था। तू जानता है जब तू नया नया इस शहर में आया था तब तू रातों को नहीं सोया करता था, तू हर रात को एक बुरा ख्वाब देखा करता था और हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही बोला करता था, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। मैं नहीं जानता कि तू उस वक्त क्या देख रहा होता था और क्या सोचा करता था। फिर धीरे धीरे मैंने साइकेट्रिस्ट की मदद से तेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा था उसे जानने की कोशिश की थी, और तू जानता है उस वक्त तेरे बचपन में मैंने एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से तेरी कुछ वीडियो बनवाई थी, उसमें मुझे कुछ खास पता तो नहीं लग पाया, लेकिन हाँ तेरी जुबानी जो कुछ भी तूने बचपन में बोला था मैंने वो सब एक साइकेट्रिस्ट की मदद से वीडियो में कन्वर्ट करवा लिया था, तो वो मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है। उस वक्त तूने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो काफी ज्यादा भयानक थे, मैं नहीं जानता कि तू वीडियो सुनने और देखने के बाद किस तरह का रिएक्ट करेगा और कैसा नहीं, लेकिन तब मैंने साइकियाट्रिस्ट की मदद से तेरी उन यादों को हमेशा हमेशा के लिए धुंधला करवा दिया था ताकि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू एक बार वो वीडियो देखे और सुनो और इसलिए समझने की कोशिश करो कि आखिरकार तू अपने बचपन में कहना क्या चाह रहा था। कुछ ऐसा था जो तू अपने सपने के द्वारा हमें बताना चाहता था लेकिन तू नहीं बता पाया। वो सारे वीडियो कैसेट, वीडियो इस बॉक्स के अंदर है, चैप्टर 17, यश का अनजाना सच। लेकिन तब मैंने साइकियाट्रिस्ट की मदद से तेरी उन यादों को हमेशा हमेशा के लिए धुंधला करवा दिया था ताकि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू एक बार वो वीडियो देखे और सुनो और इसलिए समझने की कोशिश करो कि आखिरकार तू अपने बचपन में कहना क्या चाह रहा था। कुछ ऐसा था जो तू अपने सपने के द्वारा हमें बताना चाहता था लेकिन तू नहीं बता पाया। वो सारे वीडियो कैसेट, वीडियो इस बॉक्स के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि तू एक बार इन वीडियो को जरूर देखे और एक बार याद करने की कोशिश करके उस वक्त तूने क्या देखा था। मैं जानता हूँ कि मैं काफी स्वार्थी तुझे लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें तुझसे पूछ रहा हूँ, वो भी इतने सालों के बाद, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, जब तक मुझे ऐसा लगता है जब तक अपनी बेटी के खून के पीछे की कहानी नहीं जान लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला है, और यहाँ तक कि अगर मैं बिना सच जाने मर गया तो मेरी आत्मा को भी सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही यश के दादा ने ये कहा तब यश उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में आ गया था। उसने बड़े ही बुरी तरीके से वो बॉक्स अपने बेड पर फेंक दिए थे और सिगरेट्स को सुलगा ली थी और कुछ देर सिगरेट पीते हुए वो उस बॉक्स की ओर देखने लगा था और रह रहकर उसके कानों में आज मिस्टर डिसूजा और साथ ही साथ उस औरत की बातें आ रही थी, लेकिन उस औरत की मदद करने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा सा लगा था। तो फिर कुछ सोचते हुए जल्दी ही उसने अपनी सिगरेट बुझा दी थी और वो बॉक्स ओपन कर लिया था और अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी एक DVD चलाकर वो उसे चेक करने लगा था। यश ने देखा एक बच्चा हाफ निक्कर और एक सिंपल सी चप्पल में एक व्हाइट चेक की शर्ट पहनकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार उसके गले तक आ रहे थे और तब डॉक्टर उससे पूछ रहे थे, यश आपने आखिर क्या देखा था, क्या हुआ था? यश की आंखें बंद थी और वो बिना होश हवास में बोले जा रहा था, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को वो लोग ले गए, मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं मत मारो मत मारो, मत तंग करो मेरी माँ को, मत तंग करो मेरी माँ को। बार बार यश के मुंह से यही बातें निकलती जा रही थी। यश कुछ और कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। जल्दी ही यश ने घबरा कर अपनी आंखें खोल ली थी और उसने एक जोरों से चीख मारी थी।
अब डॉक्टर को उसे हिप्नोटाइज से बाहर लाना जरूरी था, इसीलिए उसने डॉक्टर ने जैसे चुटकी बजाई, यश अपने होशो हवास में आ गया था। अपने नाना को देखकर उनके गले से लेकर रोने लगा था और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था। कहने लगा था, मेरी माँ को बचा लो बचा लो, वो लोग मेरी माँ को ले जा रहे हैं, पिताजी मेरी माँ को बचा लो पिताजी पिताजी। लेकिन कोई भी यश की कोई बात नहीं सुन रहा था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही यश ने अपनी यह पुरानी बचपन की डीवीडी देखी, अचानक से उसके हाथ पैरों कांपने से लगे थे और उसका सर एकदम भारी होने लगा था। यश काफी ज्यादा हैरान था कि क्या वाकई यह वह था जो इतनी बुरी हालत में था, और वो अपनी माँ को इस तरह से बचाए जाने की गुहार क्यों लगा रहा था। आखिरकार क्या हुआ था उसकी माँ के साथ, यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो बस खाली खाली मन से सारी चीज देखे जा रहा था, और फिर वो डीवीडी यश ने घबराकर बंद कर दी थी, उससे आगे उसकी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। डीवीडी करने के बाद इस चारों तरफ अच्छी तरह से देखने लगा था और सोचने लगा था, आखिरकार उसके बचपन में ऐसा क्या हुआ होगा। हालांकि यश इन सब चीजों के बारे में कोई शायद सोचना समझना नहीं चाहता था, लेकिन हम डीवीडी पर खुद को देखने के बाद और अपनी इतनी बुरी हालत देखने के बाद यश के मन में यह इच्छा जन्म ले चुकी थी कि आखिरकार उसकी माँ के साथ हुआ क्या है और वो इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा था। उसकी यादें, अगर साइकेट्रिस्ट ने उसकी यादों को कहीं धुंधली यादों में कैद कर दिया है, तो उसे उसकी यादें बाहर निकलवानी होगी। और ये सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आज उसकी आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी, क्योंकि उसे बार बार अपने बचपन का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा याद आ रहा था। बचपन से वो एक सपना जरूर देखता हुआ आया था कि एक छोटे से गांव में वो खेल रहा था और खेल खेल में उसे कुछ चोट लग जाती है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा करता था। और आज जाकर उसे यह बात समझ में आई थी कि आखिरकार उसे पूरा सपना क्यों दिखाई नहीं दिया करता था, हमेशा धुंधला धुंधला ही क्यों दिखाई दिया करता था, क्योंकि उसके दादा ने साइकेट्रिस्ट की मदद से उसकी यादों को धुंधला करवा दिया था। वेल, अगली सुबह यश जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गया था और उसने अपने दादा की ओर देखते हुए कहा था, दादाजी आपने किस किस साइकेट्रिस्ट से मेरा इलाज करवाया था, मुझे उसका एड्रेस और नाम चाहिए। जैसे ही यश के दादा ने सुबह सुबह यश की यह बात सुनी, वह हैरान हो गए थे और बिना किसी सवाल जवाब के उन्होंने एक कार्ड निकालकर जिनके हाथों में थमा दिया था और कहने लगे थे, मुझे पता था कि अगली सुबह तुम मुझसे इस साइकेट्रिस्ट का नंबर जरूर मांगोगी, इसलिए मैं पहले ही इसे लेकर तैयार था। जैसे ही उसने अपने दादा की बात सुनी, वह हैरान हो गया था और बिना कुछ कहे वो कार्ड हाथ में लेकर वहां से जाने लगा था। तब इसके दादा उसे रोकते हुए बोले थे, बेटा कुछ खाकर तो चले जाओ, लेकिन उसने बोल दिया था कि नहीं, अभी वो जो कुछ खाएगा ऑफिस जाकर खा लेगा, अभी उसे जरूरी काम है। ऐसा कहकर यश वहां से निकल चुका था। तब तक रितेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए थे और यश को वहां ना पाकर वो लोग हैरान हो गए थे। तभी रितेश ने अपने दादा से कहा था, क्या बोला था, पापा आज आपका वो लाडला नाश्ता करने के लिए नहीं आएगा क्या, आज आपके लाड साहब को आज नाश्ता उसके कमरे में ही चाहिए। तभी उसके पिता उसे घूर कर रह गए थे और कहने लगे थे, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो, और हाँ नाश्ता करने का टाइम है, सुबह सुबह नाश्ता खा लो। और वो काम पर चला गया है अपने ऑफिस। अब रितेश जी हैरान हो गए और कहने लगे थे, जल्दी ऑफिस चला गया, लेकिन क्यों, अभी तो काफी टाइम है, जल्दी ऑफिस जाकर क्या करेगा। तभी आरती जी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी थी, यह क्या आप क्यों बार बार उस बेचारे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, क्यों परेशान करते रहते हैं पिताजी को, आप प्लीज ऐसा ना किया करें। जैसे ही आरती जी ने इस तरह से रितेश का हाथ पकड़कर उसे शांत कराया, वो एक बार फिर चुप हो गया था। उसके पिता केवल उसे गहरी नजरों से देखते हुए जूस पीने लगे थे और अचानक जूस पीते पीते ही उनकी निगाह कहीं और नहीं बल्कि उनकी पोती ने जो कपड़े पहन रखे थे उस पर चली गई थी, क्योंकि उनके पोती ने आज एक वन पीस ड्रेस पहना था जिसमें उसके ऊपर के हिस्सा ज्यादा सबसे ज्यादा रिवील हो रहा था। और तब उसके दादा ने उसे टोकते हुए कहा था, दिव्या बेटा ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, भले ही हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग ही तो हमें कपड़े पहनना चाहिए, और एक लिस्ट अगर वहां के अकॉर्डिंग तुम कपड़े नहीं पहन सकती तो आपको कम से कम पूरे कपड़े ही पहन लिया करो। तुम्हारे बाप को तो यश के बारे में पूछताछ करने के अलावा कुछ और फुर्सत नहीं है, और ना ही उसने तुम्हारी तरफ कभी देखा है। अगर तेरे बाप को यश के अलावा किसी और चीज से फुर्सत हुई तभी तो तेरे कपड़ों की तरफ देखेगा। जैसे ही उसके दादाजी ने रितेश जी को टोकते हुए कहा तो रितेश जी अपने पिता को घूर कर रह गए थे, और तब आरती जी बोली थी, पिताजी आप क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं,
यह मॉडल जमाना है और यहाँ पर शायद आप भूल रहे हैं, आप हिंदुस्तान में नहीं विदेश में हैं, और उसने जो कपड़े पहने हैं बिल्कुल यहाँ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, और आपको फैशन की कोई नॉलेज नहीं है, आप प्लीज नाश्ता कर लीजिए। और फिर उसके दादाजी ने भी ज्यादा बोलना जरूरी नहीं समझा था और चुपचाप से अपना नाश्ता करते हुए वहां से जाने लगे थे। और आरती जी उन्हें देखकर केवल घूर कर रह गई थी। वही दूसरी ओर यश सीधे सीधे ऑफिस न जाकर सीधा अपने दादा के दिए हुए उस साइकेट्रिस्ट के पते पर पहुंच चुका था। उसने देखा कि यह कोई छोटा मोटा क्लिनिक ही नहीं या किसी का घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जाना माना हॉस्पिटल था। उस अस्पताल में वो साइकेट्रिस्ट काम करते थे जिसे आज से ठीक 20 साल पहले यश का ट्रीटमेंट किया था। तो यश ने बिना देरी के जल्दी ही वो उस अस्पताल के अंदर चला गया था। और जैसे ही वो उस अस्पताल के अंदर गया तो मुझे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था कि वहां पर कितने ही सारे साइकेट्रिस्ट के नाम वगैरह थे, और जिस नाम के साथ यश वहां आया था ऑलरेडी उसे नाम के भी कम से कम 6 से 7 लोग उस अस्पताल में काम किया करते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहां काम किया करते थे। यश जल्दी जाकर रिसेप्शन पर खड़ा हो गया था। वो चाहता तो अपने किसी भी आदमी के द्वारा ये काम करवा सकता था, लेकिन ये जो कि उसकी पर्सनल लाइफ थी तो खुद वो इसके बारे में तहकीकात करना चाहता था। तो जैसे ही यश वहां गया और उस रिसेप्शनिस्ट ने यश को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ यश को मैगजीन्स या टीवी या न्यूज चैनल पर ही देखा है। CH18 धुंधली यादें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहां काम किया करते थे। यश जल्दी जाकर रिसेप्शन पर खड़ा हो गया था। वो चाहता तो अपने किसी भी आदमी के द्वारा ये काम करवा सकता था, लेकिन ये जो कि उसकी पर्सनल लाइफ थी तो खुद वो इसके बारे में तहकीकात करना चाहता था। तो जैसे ही यश वहां गया और उस रिसेप्शनिस्ट ने यश को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ यश को मैगजीन्स या टीवी या न्यूज चैनल पर ही देखा है। और आज यश को अपने सामने देखने के बाद इस रिसेप्शनिस्ट लड़की ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया था और कहने लगी थी, सर आप यहाँ कैसे? जैसे ही उसने यश को पहचाना, यश केवल हल्का सा उसे देखकर मुस्कुराया था और बोला था, मैं यहाँ मिस्टर रिचर्ड से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही यश ने ये कहा वो केवल उसे देखते रही थी। उस लड़की की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो यश के सामने कुछ भी बोल सके, क्योंकि यश को उसने आज लाइव अपनी आंखों के सामने देखा था। तो यह उसके लिए बड़ा ही अजब और नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि यश रियल लाइफ में और भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। जिस तरह की वो मैगजीन या टीवी वगैरह पर दिखा करता था, जल्दी ही उस लड़की ने इस बात की इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दे दी थी कि इस अस्पताल में देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और इतना ही नहीं मोस्ट वांटेड बैचलर आया हुआ है। जैसे ही उसने ये खबर अपनी सीनियर तक पहुंचाई, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी और जल्दी ही कितने सारे डॉक्टर, सिस्टर, वार्डस बॉय सभी ने आकर यश को पूरी तरह से घेर लिया था। अब यश को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, और यश को अचानक याद आया था कि वो एक नॉर्मल आदमी बनकर यहाँ गया था, जबकि उसे अपने पूरे प्रोफेशनल सिक्योरिटी के साथ वहां आना चाहिए था। यश के साथ हमेशा 15 से 20 गार्ड चला करते थे, लेकिन आज यश किसी को भी साथ में लेकर नहीं आया था। तब कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा लग रहा था। वेल जल्दी उसे अस्पताल के डीन वहां गए थे, उन्होंने उसको पसंद आकर हेलो किया था और तभी यश ने भी उन्हें मुस्कुरा कर ग्रीट किया था। तब वो डीन बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला था, मिस्टर यश ओब्रॉय आप यहाँ आए हैं तो प्लीज बताइए, ऐसा क्या काम आन पड़ा कि आप यहाँ अचानक हमारे हॉस्पिटल में चले आए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी यश ने थोड़ा सा सोचते हुए वो कार्ड जो उसके दादा ने उसे दिया था वो उस अस्पताल के डीन के सामने दिखा दिया था और कहने लगे थे, मैं जो नाम इस कार्ड पर लिखा हुआ है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही यश ने वो कार्ड उस डीन को दिया, उस डीन के चेहरे पर कितने ही सारे भाव आ गए थे, और अगले ही पल हल्का सा उस कार्ड को सहलाने के बाद उस डीन ने यश से कहा था, ये कार्ड जो कार्ड आप लेकर आए हैं उस पर जो नाम लिखा हुआ है यह एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम है। क्या क्या या 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 या? जैसे ही यश ने ये सुना वो हैरान हो गया था और कहने लगा था, क्या आप क्या कह रहे हैं, ये आपके पिताजी का नाम है? तभी उस डीन ने हाँ मैं अपन सर हिलाते हुए कहा था, जी हाँ आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी ने ही इस अस्पताल में काम करने के साथ साथ मेरे पिताजी ने छोटा से हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। तब ये हॉस्पिटल काफी छोटा था और मेरे पिताजी यहाँ पर एक अकेले डॉक्टर थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अस्पताल को बढ़ाना शुरू कर दिया था और आज देखो, आज उनकी मेहनत का नतीजा आपकी आंखों के सामने है। तभी यश ने अस्पताल के डीन साहब की ओर देखते हुए कहा था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पिताजी मुझे कहाँ मिल सकते हैं? एक्चुअली मुझे उनसे कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है जो कि पर्सनल है। जैसे यश ने ये कहा, हॉस्पिटल के डीन केवल उसे घूर कर रह गया था।
और सोचने लगा था अगर इतने बड़े आदमी को जरूरी काम नहीं होता तो भला ये यहाँ आते ही क्यों, लगता है इन्हें कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है। तब डीन साहब ने यश से कहा था, जी मिस्टर ओवरॉय, मेरे पिताजी से तो आप मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अब वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं जिनकी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। इस वक्त वो अस्पताल में नहीं बल्कि मेरे घर पर मौजूद है। आप चलिए, मैं आपको पर्सनली अपने साथ लेकर चलता हूँ और आपको अपने पिता से मिलवाता हूँ। पर हाँ मिस्टर यश साहब, मैं आपको एक और बात साफ साफ कह देता हूँ कि हो सकता है कि मेरे पिताजी, जो भी आप अपना काम पिताजी से समझना चाहते, हो सकता है मेरे पिताजी को कुछ याद ना हो क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी याददाश्त काफी ज्यादा वीक हो गई है। जैसे यश ने ये सुना थोड़ा सा चौंक गया था और अगले ही पल उसे एक उम्मीद की किरण नजर आने वाली थी, वो टूटती हुई उसे नजर आने लगे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी और उसने फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा था, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त आपके पिताजी से मिलना चाहूंगा। हालांकि यह यश के ऑफिस का टाइम था और आज तक जब से यश ने होश संभाला था उसने आज तक एक दिन भी अपना ऑफिस की ना तो छुट्टी ली थी और ना ही उसने कभी वो अपने ऑफिस में लेट गया था, लेकिन आज वो कुछ और जानना चाहता था तो इस चक्कर में आज उसने ऑफिस को काफी ज्यादा लेट कर दिया था और जल्दी ही वो अस्पताल के डीन के साथ बैठकर उनके घर की ओर रवाना हो चुका था। वही दूसरी ओर अवनी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और लगातार उसे उसके बाजू में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अवनी के साथ साथ जो वो स्टोरी चल रही थी उसकी बाजू में जो आत्मा बसी हुई थी वह भी उसे स्टोरी को देख रही थी। अपनी को बार बार इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो हर बार अपना हाथ पकड़ कर बैठ जाती थी और उसे काफी ज्यादा दर्द का एहसास होने लगता था, लेकिन उसे फिलहाल अपने इस दर्द को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिरकार जो ये हैंडसम से चेहरा इस एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था और क्या वाकई वो डॉक्टर उसे ऐसा कुछ बता पाएगा जिससे वो अपनी माँ के बारे में जानने पर मजबूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अवनी बड़ी ही बेसब्री से यश के डीन साहब के घर पहुंचने का इंतजार करने लगी थी। उस अस्पताल का डीन जल्दी ही उसको अपने घर ले गया था। यश ने देखा कि उनका घर बड़ा ही शानदार बना हुआ था और उस शानदार घर में से जाते हुए अचानक एक कमरे में जाकर हॉस्पिटल के जो डीन थे उन्होंने इशारा किया था, ये कमरा मेरे पिताजी का है, आप जाइए और जाकर उनसे मिल सकते हैं, तब तक मैं आपके लिए कुछ चाहे नाश्ते का प्रबंध करवाता हूँ। डीन साहब यश को पूरी प्राइवेसी देना चाहते थे इसलिए वो उसके साथ कमरे के अंदर तक नहीं गए थे और यश को कमरे के बारे में बताकर वो वहां से चले गए थे और यश अपने आप को उसे कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगा था और कुछ ही पल में वो एक बड़े ही बुजुर्ग से आदमी के सामने बैठा हुआ था। यश ने सीधे सीधे उस बुजुर्ग को देखते हुए कहा था, सर मुझे लगता है कि पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरह से ऐसी हालत में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अपनी पहचान। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने ऐसी कौन सी याद है जो मेरे दिल और दिमाग से धुंधली की थी। ये डीवीडी आप प्लीज एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ याद आ जाए। ऐसा कहकर यश ने अपने साथ लाई हुई वीडियो को उसे साइकेट्रिस्ट के सामने चलाना शुरू कर दिया था। वो साइकेट्रिस्ट कभी यश को देख रहा था तो कभी डीवीडी को देख रहा था। अचानक से उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे और वो कहने लगा था, सुनो तुम यश ओबेरॉय हो क्या? जैसे ही उसने अपनी टूटी फूटी जुबान में यश का नाम लिया, यश हैरान हो गया था और कहने लगा था, जी जी सर, क्या आप मुझे जानते हैं? तभी यश ने उस साइकेट्रिस्ट में आगे कहना शुरू कर दिया था, हाँ मैं तुम्हारी ही कुछ यादों को धुंधली कर दिया था क्योंकि वो याद है तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। वो यादें क्या थी इसके बारे में तुम्हें पता नहीं लग पाया, लेकिन वो जो कुछ भी था शायद बड़ा ही दर्दनाक था जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भले ही मैं सारी चीज भूल जाऊं, अपना नाम तक भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के ऐसे बच्चे थे, इतने डरे सहमे और बड़े दर्द से ज्यादा गुजरे हुए बच्चे थे, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। यश काफी ज्यादा हैरान था कि जिस बुजुर्ग की याददाश्त काफी कम हो चुकी थी वो उसे पहली नजर में ही पहचान गया था, उसे एक ही बार की डीवीडी देखते ही सारी चीजों को उसे बताना शुरू कर दिया था। तब यश ने जल्दी से उस साइकेट्रिस्ट से कहा था, तो क्या आप प्लीज जो भी याद है आपने मेरे दिल और दिमाग से मिटाई थी, क्या आप उन्हें एक बार फिर से साफ कर सकते हैं? जैसे ही यश ने उन्हें ये कहा तब साइकेट्रिस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले थे, मेरे बेटे को बुलाओ। जैसे ही उस साइकेट्रिस्ट से ये कहा यश ने देरी न करते हुए उनके बेटे को वो बुला लिया था। उनका बेटा यानी के जो हॉस्पिटल का डीन था वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था कि उसके पिताजी यश से कितनी ज्यादा कैजुअल तरीके से बात कर रहे थे।
जबकि इतने सालों में उन्होंने किसी से भी ढंग से बात तक नहीं की थी, इनफैक्ट अपने बेटे से ही बात तक नहीं की थी, तब उसके पिताजी ने अपने बेटे को देखते हुए कहा था, बेटा अपने हॉस्पिटल के एक साइकेट्रिस्ट को यहाँ बुलाओ। जैसे ही उसके पिता ने ये हुक्म दिया, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसके पिता ने ये वर्ड उसे साफ साफ कहे थे। जल्दी ही एक साइकेट्रिस्ट को वहां बुलाया गया था, और तब हॉस्पिटल के उस साइकेट्रिस्ट के उस बुजुर्ग साइकेट्रिस्ट ने उसने साइकोलॉजिस्ट को कुछ समझना शुरू कर दिया था। CH19 इंडिया का टिकट। बेटा अपने हॉस्पिटल के एक साइकेट्रिस्ट को यहाँ बुलाओ। जैसे ही उसके पिता ने ये हुक्म दिया, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसके पिता ने ये वर्ड उसे साफ साफ कहे थे। जल्दी ही एक साइकेट्रिस्ट को वहां बुलाया गया था, और तब हॉस्पिटल के उस साइकेट्रिस्ट के उस बुजुर्ग साइकेट्रिस्ट ने उसने साइकोलॉजिस्ट को कुछ समझना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते यश को एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया गया था, और वहां जाकर उस बुजुर्ग के गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाने लगा था। और देखते ही देखते यश को एक गहरे रंग पर जोर देने के लिए कहा जाने लगा था, और यश जल्दी ही उन लोगों के वश में हो चुका था। तब धीरे धीरे उस बुजुर्ग साइकेट्रिस्ट ने उसी तरह से अमन की यादों में पिछले 20 साल पहले जाकर जो भी उसके 5 से 6 साल के बीच की यादें थी, उन सभी यादों को एकदम से साफ कर दिया था। और देखते ही देखते उन्होंने यश को एक बार फिर उसे की कड़वी यादव के साथ अपने वश से बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ही यश बाहर आया, अचानक से ही उसे अपने दिल के कोने में काफी ज्यादा दर्द सा महसूस हुआ था। हालांकि वो यादें क्या थी क्या नहीं, वो उसने अभी जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने उसे बताया था कि जो यादें हमने आपकी साफ की हैं, वो शायद अभी आपको पूरी तरह से याद ना आए, उन्हें साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, जिन यादों को हमने अपने साइकेट्रिस्ट टेक्निक का प्रयोग करके बंद धुंधला कर दिया था, वो अब बिल्कुल आपके लिए साफ है, और किसी भी पल आपको वो सारी यादें ताजा हो सकती है, जैसे उसका साइकेट्रिस्ट ने ये कहा। यश ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद दिया था, और जल्दी ही यश उस बुजुर्ग साइकेट्रिस्ट से विदा लेकर अपने ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि आज यश अपने ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था, और यश को लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जैसे ही यश ऑफिस गया, तो सभी के सभी उसके ऑफिस के लोगों से इस तरह से देख रहे थे मानो कि उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसा पहली बार था कि जिससे यश ओबरॉय इतना लेट अपने ऑफिस में आया था, और सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन यश ने किसी को भी फेस नहीं किया था। वो सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ गया था, और तभी उसका सेक्रेटरी स्टीफन उसके पास आया था और कहने लगा था, बॉस वो मिस्टर डिसूजा का ईमेल आया है, उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपके रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से बीच में भी निकाल दिया जाता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो महीने पर ही उसे दी जाती है, तो बॉस उसे अभी पैसों की जरूरत है, तो क्या हम उसे सैलरी उसके समय होने से पहले पैसे दे सकते हैं। जैसे ही स्टीफन ने इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ये कही, तब यश ने उसकी ओर देखते हुए कहा था, ठीक है तुम उसे पैसे दे सकते हो। जैसे ही यश ने ये कहा, अब तो स्टीफन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो अपने बॉस को आंखें मसला मसल कर देखने लगा था कि आखिरकार आज उसके बॉस को क्या हुआ है। और तभी यश ने अगले ही पल अपने सेक्रेटरी को देखते हुए कहा था, और हाँ इस बात के बारे में पता लगाओ कि मिस्टर जसूजा की बेटी कौन से अस्पताल में एडमिट है, हम उसे देखने भी जाएंगे, और पैसे जो भी उनकी सैलरी के पैसे बनते हैं वो तुम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसा कहकर यश अपना काम करने में बिजी हो गया था, और स्टीफन के तो आज काफी ज्यादा हैरान था कि आज सूरज क्या किसी और दिशा से निकला है कि उनका बॉस इस तरह का बर्ताव कर रहा था। वही यश खुद ये सोचने लगा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि उसकी माँ का खून हुआ था और उसके बाप का कोई पता नहीं है और रितेश ओब्रॉय उसका बाप नहीं है, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था, और उसके दिल में थोड़े से रहम ने जगह ले ली थी। यश को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसके द्वारा दिखाया गया ये रहम ही है जो कि आगे चलकर उसके कितने काम आने वाला था। वह जल्दी ही स्टीफन ने उस अस्पताल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी जिसे अस्पताल में अपने बॉस के ऑर्डर पर जल्दी ही स्टीफन ने उसे अस्पताल के इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी, जिसमें मिस्टर डिसूजा की बेटी एडमिट थी, और जल्दी ही यश अपने सेक्रेटरी के साथ अस्पताल की ओर रवाना हो चुका था। आज यश को अपने करोड़ों की देर यह किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, उसकी हालत बड़ी ही अजीब चीज थी, उसकी हालत बड़ी ही अजीब सी थी, उसके दिलो दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि आखिरकार उसकी जिंदगी जा किस और रही थी, इतने सालों से जो वो जिंदगी गुजरता हुआ आया था, आखिरकार उसकी जिंदगी का क्या मतलब था, क्या मायने थे, और कब वो इतना कठोर हो गया कि अपने आसपास के लोगों को उसने इतना दुखी कर दिया।
कि सब लोग उसकी प्रेजेंस से ही डरने लगे थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सोचते हुए यश जल्दी ही अस्पताल में पहुंच चुका था। और जैसे ही वो अस्पताल में गया तो उसने देखा, नम आंखों के साथ मिस्टर डिसूजा अपनी बेटी के वार्ड की ओर देख रहे थे। और जैसे स्टीफन ने वहां जाकर मिस्टर डिसूजा के कंधे पर हाथ रखा, तब मिस्टर डिसूजा हड़बड़ा गए थे और अपने सामने अपने बॉस को देखकर वह हैरान हो गए थे और फिर उनकी ओर देखकर कहने लगे थे कि सर 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 आपका यहाँ किस लिए आना हुआ? क्या आप मुझे अरेस्ट करवाने के लिए आए हैं कि मैं आपकी नौकरी बीच में ही छोड़ दी है? जैसे मिस्टर डिसूजा ने अपने बॉस को वहां देखकर इस तरह की बातें की, यश को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था और वो सोचने लगा था कि वाकई उसने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है कि उसके एम्प्लॉय उसके बारे में इस तरह की राय रखते हैं। तब जल्दी ही यश ने अपने दोनों हाथों को मिस्टर डिसूजा के सामने जोड़ लिया था और उनसे कहने लगा था, मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इतना ही नहीं, उसने मिस्टर डिसूजा की जॉब डिग्निटी के साथ उन्हें लौटा दी थी और साथ ही साथ उसने उनकी बेटी का इलाज का शहर का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था। मिस्टर डिसूजा की आंखें खुशी के मारे झलक आई थी, उन्होंने अपने बॉस का इतना सॉफ्ट साइड कभी भी नहीं देखा था और अचानक से ही उनके सारे दुख उनके काम होते हुए नजर आने लगे थे। और उन्होंने दिल से अपने बॉस को दुआ दी थी कि आप जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं रहेंगे और आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। यश मिस्टर डिसूजा के ये सारे शब्द सुनने के बाद काफी ज्यादा अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा था और जल्दी ही वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। और जैसे ही वो अपने घर पर गया तो उसने देखा उसके दादाजी उसी का इंतजार कर रहे थे। अपने दादा को देखकर आज यश मुस्कुराया था और उनके पास बैठकर आज उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने दादा से आज ढेर सारी बातें करे। तभी यश ने बातों ही बातों में अपने दादा से कहा था, दादाजी जब से मैंने सच जाना है, जब से मैं हर रोज ऑफिस पर जा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो सुकून की तलाश में कहाँ करूँ, तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपको मुझे इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि किस हॉस्पिटल से आप मुझे लेकर आए थे और किस हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी और मेरी माँ का क्या नाम था। जैसे ही यश ने ये सारी बातें अपने दादा से की, उसके दादा की आंखें भर आई थी और वो कहने लगे थे, मेरे बच्चे में अच्छी तरह से जानता था, साइकेट्रिस्ट के बाद अगर तू किसी के बारे में पूछेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ही पूछेगा। तेरे कमरे में एक नीले रंग की डायरी रखी हुई है, उसमें तुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और बात, तू साथ ही साथ इंडिया की टिकट भी उसके अंदर रखी हुई है, तो इसीलिए तू ध्यान से इंडिया जा और अपने मकसद में कामयाब होकर आ। जैसे ही यश के दादा ने उसे ये कहा, ये हल्का सा मुस्कुराता हुआ उनके पास से उठ खड़ा हुआ था और जैसे ही वो अपने कमरे पर जाने लगा, उसके कानों में उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। उसकी बहन यानी कि उसके मामा की बेटी रितेश जी की बेटी अपनी माँ पर जोरों से चिल्ला रही थी और कह रही थी, आखिरकार क्यों आप लोगों ने उसे गरीब भिखारी को अपने घर में रखा हुआ है और वो हमारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है, उसे निकालिए यहाँ से और उसे यहाँ से जाने के लिए कहिए, मैं उसे अपना भाई नहीं मानती हूँ। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से अपनी माँ से झगड़ रही थी और उसकी माँ से समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो बहुत ही शातिर औरत थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि यश ने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज यह मुकाम हासिल किया है और इस तरह से यश को उसके मुकाम से हटाना काफी बड़ी बात थी, तो इतनी आसानी से वो यश पर वार नहीं करना चाहती थी। वेल यश थोड़ी देर तक अपनी बहन की इस तरह की बातें सुनकर चौंका था, लेकिन पहले उसने उसकी किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, नहीं उसने उसकी तरफ एक नजर भर कर देखा था, लेकिन आज उसकी कही हुई बातें उसे काफी ज्यादा बुरा महसूस करवा रही थी। वो कुछ देर उसकी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया था और जैसे ही वो अपने कमरे पर गया तो उसने देखा कि वाकई उसके बेड पर एक नीले रंग की डायरी रखे हुए थे। यश ने जल्दी से जाकर उसे डायरी को उठा लिया था और उसे डायरी को उठाने के बाद जल्दी ही उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया था। ये देखकर यश पूरी तरह से हैरान हो गया था कि उसकी माँ का नाम कुछ और नहीं बल्कि यशस्वी था। जैसे ही यश ने अपनी माँ का नाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसे अब अपना यश नाम होने पर फक्र महसूस होने लगा था। वो अच्छी तरह से यह बात भी समझ चुका था कि आखिरकार उसका नाम यश ही क्यों रखा गया था, क्योंकि उसकी माँ का नाम यशस्वी था तो शायद इसीलिए उसका नाम यश रखा गया था। यश ने जल्दी ही अपनी माँ से जुड़ी काफी सारी यादें देखना अच्छी तरह से शुरू कर दिया था। उसकी माँ क्या थी, क्या करती थी, किसी स्कूल की यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, कौन कौन उसकी खास फ्रेंड थी। इतना ही नहीं, यश हॉस्पिटल से यश को उसके दादा लेकर आए थे और किस हॉस्पिटल में उसकी माँ की मौत हुई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यश ने अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से समझ ली थी
और जल्दी ही उसकी नजर पास में रखे हुए उसके टिकट पर पड़ी थी जो कि इंडिया के लिए उसका टिकट था। तब ये सोचने लगा था कि दादाजी ने उसे फ्लैट की टिकट क्यों करवा दिया है, क्योंकि यश तो कहीं भी बेसिकली आने जाने के लिए अपने चौपर का इस्तेमाल किया करता था। उसके पास अपने खुद के काफी सारे प्राइवेट जेट थे। तभी यश ने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसे इंडिया जाने के बाद कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े और उसे शायद अपनी पहचान भी छुपाने पड़े, तो इसीलिए यश ने कुछ सोचते हुए उसे टिकट के द्वारा ही हवाई सफर करने का फैसला कर लिया था। वही उसके दादा यश के पास आए थे और कहने लगे थे, बेटा ये फ्लाइट टिकट तुम्हारी कल सुबह की ही है और मुझे पूरी उम्मीद है ऑफिस का काम ये सब कुछ तुम अपने लैपटॉप के द्वारा भी कर सकते हो, और वैसे भी तुम अब इस मुकाम पर पहुंच गए हो कि तुम्हें भी कोई काम करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन ही तो देना होता है, और तुम आराम से हर सुबह उठकर आराम से सभी लोगों में काम भी बांट सकते हो। और हाँ, तुम्हें एक और बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, तुम्हें वहां जाकर अपनी पहचान को गुप्त रखना होगा। तुम किसी के सामने बिल्कुल भी यह बात नहीं आने दोगे कि तुम ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट बिजनेसमैन हो, क्योंकि तुम्हारी फोटो, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी इतना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इंडिया में तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा। मुश्किल से कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसमैन ही तुम्हें जानते होंगे और उनसे तुम्हारा पाला नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें इन सब बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। और यह एक और बात याद रखना बेटा, इंडिया के लोग काफी ज्यादा अलग है, वहां की वहां तुम्हें दिमाग से कम और दिल से काम ज्यादा लेना होगा। CH20 वो एक भूत है, तुम किसी के सामने बिल्कुल भी यह बात नहीं आने दोगे कि तुम ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट बिजनेसमैन हो, क्योंकि तुम्हारी फोटो, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी इतना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इंडिया में तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा। मुश्किल से कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसमैन ही तुम्हें जानते होंगे और उनसे तुम्हारा पाला नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें इन सब बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। और यह एक और बात याद रखना बेटा, इंडिया के लोग काफी ज्यादा अलग है, वहां की वहां तुम्हें दिमाग से कम और दिल से काम ज्यादा लेना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ही उसने अपने दादा की बात सुनी वो हल्का सा मुस्कुरा उठा था और कहने लगा था, आप फिकर मत कीजिएगा दादाजी, अब आपका बेटा अपने पास पत्थर दिल नहीं बल्कि एक नॉर्मल दिल भी रखता है, और मैं जल्दी ही सारी जानकारी के साथ आपके पास आऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपकी बेटी की मौत क्यों हुई थी, और साथ ही साथ इस बात के बारे में भी पता लगाऊंगा कि आखिरकार मेरे बाप कौन था। यश की बात सुनकर अब उसके दादा में भी एक हिम्मत आ गई थी कि उनका इतने दिनों का सपना अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचा करते थे कि ना जाने उनकी बेटी की मौत की हालातों में हुई है, और उसका वो राज जानना चाहते थे और उनकी अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलाना चाहते थे, जो अब शायद उनका पोता यश पूरा करने वाला था। वही यश जैसे ही रात में सोया, अचानक से आज उसे उसके बचपन के उसे सपने से ज्यादा आगे कुछ दिखाई देने लगा था, लेकिन वो यादें अभी भी साफ नहीं थी और यश पूरा पसीने पसीने हो गया था। वो सोचने लगा था कि उसे तो कुछ खास दिखाई भी नहीं दिया था, तो क्यों इतना ज्यादा वो डरा हुआ सा महसूस कर रहा है। अवनी के भी हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सोचने लगी थी कि यह इंसान इतना ज्यादा स्मार्ट है, इतना ज्यादा हैंडसम है, और इसके चेहरे पर जो पसीने ऐसे लग रहे हैं मानो कि हरी हरी घास पर सुबह की ओस की बूंदे। तभी अवनी की माँ ने उसके हाथ पर हल्का सा मार दिया था और कहने लगी थी, ये तो किस तरह की बातें कर रही है, तो एक भूत के बारे में अपने ख्याल पैदा कर रही है, तू जानती नहीं वो तेरे एक हाथ में है और उसने हमें यहाँ कैद किया है। तब अवनी ने अपनी माँ से कहा था, माँ मुझे लगता है कि हमें पूरी सच्चाई देखनी चाहिए, और अब तो मुझे भी यह जानने की इच्छा हो रही है कि आखिरकार यश के साथ हुआ क्या है। तभी अवनी की माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी थी, और वही अगले ही पल जल्दी ही वो तीनों के तीनों बड़े ही ध्यान से अपनी LED स्क्रीन को देखने लगे थे, तो उसमें आगे दिखाई जा रहा था कि अगली सुबह जैसे ही यश उठा उसने फटाफट से अपना सारा सामान पैक किया था और अपने टिकट लेकर अपने दादा के पास आया था। जैसे उसके दादा ने यश को इस तरह से सामान के साथ तैयार देखा तो वो हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि यश सामान के साथ ही सुबह उनसे मिलने वाला था, और जल्दी से उन्होंने आगे बढ़कर अपने पोते को गले से लगा लिया था और कहने लगे थे, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द कामयाब होकर लौटोगे, और हाँ बेटा एक और बात तुम्हें याद रखनी होगी, भले ही तुम इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन तुम पले बड़े विदेश में हो, तो तुम्हारे लिए इंडिया किसी विदेश से कम नहीं है, तुम्हें वहां पर बड़े ही सोच समझ कर रहना होगा। एक और बात तुम्हें याद रखनी होगी कि किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यश ओबेरॉय हो, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से रिसर्च कर ली है,
इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों को तुम्हारा नाम पता है, लेकिन किसी ने भी वहां पर तुम्हें आज तक नहीं देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस न्यूज कभी भी देश से बाहर नहीं गई है, और क्योंकि किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा है तो तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अपने दादा की बात सुनकर यश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और वो कहने लगा था, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मैं इंडिया जाकर जल्द से जल्द अपनी माँ के बारे में सारी जानकारी पता लगा लूंगा। तारांकन, और अगर मेरी माँ के साथ वाकई किसी ने गलत किया है या मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ गलत किया है तो मैं उन्हें सजा दिलाकर जल्द से जल्द लौट आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद दादाजी आप मेरा तब तक इंतजार करेंगे। ऐसे कहकर यश ने अपने दादा को गले से लगा लिया था और कहने लगा था, आप मुझे इजाजत दीजिए। ऐसा कहकर यश जल्दी ही वहां से निकल चुका था और उसके दादा उसे नम आंखों से उसे देखते रहे थे। वही रितेश जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो शुरू से ही यश को वहां से भेजना चाहते थे और अब तो यश खुद वहां से जा रहा था, तो उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो कि यह सब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। उन्हें सिर्फ करना क्या था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बसे यश के दुश्मनों को इस बात की खबर देनी थी कि यश इंडिया आ रहा है, लेकिन यश के दुश्मन कौन थे इस बात के बारे में भी उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं थी। तारांकन, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि भले ही यश के दुश्मन इंडिया में ना हो, लेकिन वो दुश्मन पैदा तो कर सकते हैं, और वैसे भी पैसा क्या नहीं कर सकता। पैसा किसी भी देश में बैठे हुए हो उसे देश में दूसरे देश में भी काम करवा सकता है। तो ये सोचते हुए उन्होंने अपने एक पुराने मित्र को कॉल कर दिया था, जो कि कभी इंडिया में उनका क्लासमेट हुआ करते थे, और अपने मित्र को उन्होंने यश को ठिकाने लगाने का काम दे दिया था कि भले ही यश के असली दुश्मनों को यश मिले या ना मिले, लेकिन वो यश का काम वही तमाम कर देना चाहते थे, क्योंकि यश ने आते ही भले ही बिजनेस को किसी भी मुकाम पर वह ले गया हो, लेकिन यश की कामयाबी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अगर यश की जगह उनका अपना बेटा इस तरह से कामयाब होता तो शायद वो फूले नहीं समाते, लेकिन उनकी बहन का बेटा, उनके उसे बहन का बेटा जिस बहन ने उनकी नाक कटवाई थी, उनकी इज्जत तार तार कर दी थी, उसके बेटे को इस तरह से वो आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में इसी बात की सबसे ज्यादा नफरत थी। वेल, यश जल्दी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट से इंडिया के लिए रवाना हो चुका था। यश ने काफी मामूली से कपड़े अपने पास रखे थे, वो वहां पर एक नॉर्मल माँ बनकर रहना चाहता था, किसी को भी इस बात के बारे में भनक नहीं लगने देना चाहता था कि असल में वो है कौन। वो अपना सारा काम उसने अपने ही लैपटॉप से करने का फैसला कर लिया था। वेल, यश कितनी ही देर तक इन बातों का, इन ख्यालों के बारे में खोया रहा था कि न जाने इंडिया में वो किसका उसका बाप कौन होगा, और क्या वो उसे अपना आएगा या नहीं अपनाएगा, उसका बाप अच्छा होगा बुरा होगा। यश को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इन्हीं उलझनों में कब उसकी आंख लग गई यश को एहसास ही नहीं रहा था। तभी अचानक ख्वाब में यश ने देखा कि एक औरत की साड़ी उसके जिस्म से अलग होकर फर्श पर गिरी पड़ी थी। इतना ही नहीं, वो औरत घुटनों में अपना सर दिए बिल्कुल नग्न बदन बैठी हुई थी, और जैसे यश ने उसे औरत का चेहरा देखने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो चेहरा उसकी माँ का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर यह औरत कौन थी जो इस तरह से नग्न बदन बैठे हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की लकीरें उसके गले तक आ रहे थे। जैसे यश ने ये देखा अचानक से उसने घबरा कर अपनी आंखें खोल ली थी और उधर के मारे पसीने पसीने हो गया था। जैसे ही फ्लाइट की एयर होस्टेस ने यश की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने ही तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की थी और उसको संभालने की कोशिश की थी। तभी उसने कुछ देर पहले के बाद खुद को संभाल लिया था और एकदम चल ठंडी बियर उसने अपने लिए मंगवा ली थी, क्योंकि उसे वक्त वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करना चाहता था, तो इसके लिए उसने बियर का सहारा लिया था। और ठंडी बियर आने के बाद एक ही झटके में उसे पूरी की पूरी फिनिश कर गया था और सोचने लगा था कि यह सब क्या था, क्योंकि जब से साइकेट्रिस्ट ने उसकी खोई हुई यादों को साफ किया था तब से उसे अलग अलग तरह के विजुअल आ रहे थे, लेकिन आज जो यह विजुअल था वो सबसे ज्यादा अलग और भयानक सा था। और यश ने उस औरत के शक्ल को भी अच्छी तरह से देखा था, वो शक्ल उसकी माँ की तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ की फोटो वो अपने दादा की एल्बम में देख चुका था। वेल, उसके बाद डर के मारे यश ने आंखें बंद नहीं की थी और कितनी ही देर तक वो इस तरह से बैठ रहा था, और जल्दी ही करीब 12 से 13 घंटे में वो इंडिया के एयरपोर्ट पर मौजूद था, उसकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। जैसे ही यश बाहर आया तो वो हैरान हो गया था, क्योंकि पहली बार उसने पूरे कपड़ों में लड़कियों और तो इतना ही नहीं बच्चों को देखा था, क्योंकि यश जिस माहौल में बड़ा पड़ा था वहां पर खासकर शॉर्ट वगैरह कम कपड़े ही लड़कियां पहने करती थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा साड़ियां कुर्ते, इतना ही नहीं सलवार सूट, अनारकली सूट, पजामी लेगी सूट समेत लड़कियां उसने देखी थी।
जिन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे थे। यश कितनी ही देर तक सभी को पागलों की तरह देखता रहा था, और जब वो एक लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, तब वो लड़की गुस्से से यश की ओर घूरते हुए कहने लगी थी, हाँ लड़के कौन हो तुम और इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। तभी यश हड़बड़ा गया था और जल्दी से दोनों हाथों को जोड़कर माफी मांगता हुआ वो बोला था, सॉरी मैडम, मैं तो सिर्फ आपके कपड़े देख रहा था। क्या यहाँ पर सभी फुल कपड़े पहनते हैं? जैसे यश ने ये कहा वो लड़की हैरान हो गई थी और उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, व्हाट यू मीन यहाँ पर सभी फुल कपड़े पहनते हैं? यहाँ यह इंडिया है और यहाँ जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ पर कोई अलग से कानून पास नहीं हुआ है कि तुम्हें कम या ज्यादा ही कपड़े पहने हैं, समझे तुम। वो लड़की जल्दी ही यश को करारा जवाब देकर जा चुकी थी और यश ने एक बार फिर किसी और से इस सवाल को करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि और वो सोचने लगा था कि यहाँ पर वो इस तरह से उससे बात क्यों कर रहा है, क्या वो कोई अजीब बर्ताव कर रहा है। लेकिन जैसे ही यश थोड़ा सा आगे आया तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी थी, यश यश। यश हैरान हो गया था कि यह आवाज किसकी है, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथ में उसके नाम की नेम प्लेट लिए उसी का नाम पुकार रहे थे। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।